चंद्रमा की कहानी। बहुत साल पहले रहता था चंद्रमा। चंद्रमा को लगता था कि संसार की सारी रोशनी केवल उसी में रहती थी और इस बात का उसको बहुत घमंड था। एक दिन पृथ्वी चंद्रमा के पास आई। चंद्रमा कहीं दूर कोई उज्जवल चीज को गौर से देख रहा था। इतनी गौर से क्या देख रहे हो चंद्रमा? वहाँ कुछ चमक रहा है, बस वही देख रहा हूँ। ओह, वो तो सितारे हैं। उनके अंदर रोशनी की वजह से वह चमक रहे हैं। सच में? क्या वे मुझसे भी ज्यादा उज्जवल है? नामुमकिन। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, वे बहुत चमकते हैं। बिल्कुल नहीं, रात के समय तुम मेरी वजह से उज्जवल रहते हो। लोग मेरी रोशनी की सहायता से अंधेरे में चल पाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सितारों से ही जाओ पूछो। हाँ, मैं यही करूँगा। पर मुझे नहीं लगता तुम इतनी दूर तक यात्रा कर पाओगे। ये लाखों मील दूर रहते हैं और तुम इस अंतरिक्ष के माध्यम से वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वे कितना दूर रहते हैं, मुझे बस ये साबित करना है कि मैं ही सबसे उज्जवल हूँ, ना कि कोई बेकार सितारे। चंद्रमा सितारों की ओर निकल पड़ा। वह चलता ही रहा, पर इतनी तेजी से जाने के बावजूद वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। रास्ते में उसकी मुलाकात कई ग्राहों से हुई जो उससे पूछे कि इतनी तेजी से वह कहाँ जा रहा है। हे चंद्रमा, कहाँ दौड़े जा रहे हो? सुना है कि कोई पुराना सितारा मुझसे ज्यादा उज्जवल है। मुझे पूरा यकीन है कि सबसे उज्जवल और चमकीला मैं ही हूँ, बस यही साबित करने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? चलो ठीक है, जाओ पता लगा लो। बाकी के ग्राहो हंसने लगे और चंद्रमा गुस्से से अपने रास्ते चलता रहा। चंद्रमा और तेज रफ्तार से जाने लगा और जल्द वह सूर्य के पास आ पहुंचा, जो उजाला और गर्मी से धधक रहा था। हे चंद्रमा मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ सितारों से मिलने जा रहा हूँ जिनको लगता है कि वे मुझसे भी ज्यादा उज्जवल है। मुझसे? चंद्रमा से ज्यादा उज्जवल और कोई नहीं। वैसे रोशनी तो तुम्हें मुझसे मिलती है, तुमको अपनी खुद की प्रकाश है ही नहीं। सितारों के पास तो खुद की रोशनी है, और हाँ, जितना तुम्हारा अंदाजा है उससे कई ज्यादा बड़े हैं सितारे। तुम मजाक कर रहे हो, मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि मैं ही सबसे उज्जवल हूँ। अलविदा। जैसे चंद्रमा आगे जाता रहा, उसको कहीं दूर अब सितारे नजर आने लगे। हाँ, कितने छोटे हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसे ही। बस अब इस बारे में सबको बताना पड़ेगा। चंद्रमा और तेज रफ्तार से चलने लगा और जब थोड़ा और पास पहुंचा तो उसको पसीना आने लगा और गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जब तक चंद्रमा अपने मंजिल तक पहुंचा, वो बहुत ही ज्यादा थक गया था। उसके इर्द गिर्द सब उज्जवल था। चंद्रमा को विश्वास ही नहीं हुआ। अपनी नजरें ऊपर उठाया तो उसने एक महाकाय सितारे को देखा। वो इतना बड़ा था। हे भगवान, तुमसे कितनी तेज रोशनी आ रही है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम कैसे इतने छोटे लगते हो दूर से, पर पास से इतने बड़े? हाहा, लगता है तुम्हें सितारों के बारे में कुछ नहीं पता। दूर से तो तुम केवल एक चिंगारी की तरह लगते हो, पर पास से तुम में आग की ज्वाला जलती है। अच्छा ठीक है, सुनो, हम सितारे हैं, हम अलग अलग आकार में आते हैं, हम रहते भी हैं अलग अलग स्थानों पर सूर्य की स्थिति के अनुसार। वाह, तुम सब बहुत अनोखे हो, तुम में इतनी चमक है, मुझे कभी लगा ही नहीं कि इस अंतरिक्ष में मुझसे ज्यादा उज्जवल वस्तुएं होंगे। वैसे हम अपने तरीके से खास है और तुम भी अपनी जगह बहुत सुंदर और चमकीले हो। चंद्रमा ने सितारे का धन्यवाद किया और वापस अपनी जगह के लिए निकल पड़ा।
जब चंद्रमा बाकी ग्रहों को पार करने लगा तो सब ने उससे पूछा कि उसने सितारों के बारे में क्या सीखा। हे चंद्रमा, रुको जरा, तो तुम मिले सितारों से? हाँ, मुझे तो लगा मैं ही सबसे उज्जवल हूँ, परंतु जब तक मैंने अपने आँखों से नहीं देखा मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने ये सीखा कि तुम भी एक सितारे हो। ऐसा कहकर चंद्रमा अपने रास्ते चलता रहा सितारों के बारे में सोचते हुए। रास्ते में ग्राहों से मुलाकात हुई जिन्होंने पूछा, हे, कैसी थी तुम्हारी यात्रा? जब मैंने सितारों को इतनी चमक से चमकते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि केवल मैं महान नहीं हूँ, मेरे इर्द गिर्द कई आकाशीय पिंड है जो बहुत उज्जवल है। मुझे खुशी है कि तुमने ये सीखा। केवल तुम ही को इस बारे में जानकारी नहीं थी। कोई नहीं, अब तुम हमेशा चमकते रहना और खुश रहना। बाय बाय। चंद्रमा आखिरकार अपनी जगह धरती के पास पहुंच गया। काफी थक गया था, लेकिन उसने उस दिन एक अच्छा पाठ पढ़ा। मेरे दोस्त, उम्मीद है तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। ये याद रहे कि हमेशा दयालु रहना चाहिए। कभी भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि हम ही सबसे अच्छे हैं।